जी आप मुझे ऊपर क्यों ले यार? आपने देखा नहीं आरव जी, चाची जी क्या कह रही थी? पापा के सर पे भी खून सवार है आरव जी, सब भाई को गलत समझ रहे। आपने एक बार मुझे उनसे बात करनी। सिमर, सिमर अगर हम दिल के अच्छे होते हैं ना तो हमें लगता है दुनिया में बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है, गगन गलत भी हो सकता है। लेकिन आरव जी वो मेरे भाई है। रीमा का भाई भी तो है ना, और वो मेरी छुटकी को पहले भी धोखा दे चुका। आई कांट टेक इट अगेन। आरव जी लेकिन इस बार भाई धोखा नहीं दे रहे। तो फोन क्यों उठा रहा? कहाँ गायब हो चुका है तुम्हारा भाई? अगर उसको मेरी बहन का हाथ चाहिए तो आकर सामने से बात क्यों नहीं कर रहा? बताओ सिमर। किसे मिलना आपको? मैं गगन आ रहा है, ओसवाल मैंशन की बड़ी बहू, सिमर ओसवाल का भाई, उससे मिलने आया हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। बड़े मालकिन, क्या हुआ? कोई गगन नारायण आया बाहर। अगर आप कहे तो उसे अंदर भेज दूं। उसे वहीं रोक कर रखो। सलील लड़की की इतनी हिम्मत, फिर से हमारे घर पहुंच गया। इसकी मौत इसे यहाँ खींच के लाई है माँ। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी मौके का फायदा उठाओ। ये कार्ड मेरे घर वालों ने मुझसे बिना पूछे छपाया है, ये सच नहीं है। मैं ये सगाई नहीं करने वाला हूं। नहीं करने वाला हूं। देखिए मैं बहुत हिम्मत से आया हूं। नहीं नहीं, मैं बहुत हिम्मत करके आया हूं। मैं आप सबके सामने बहुत हिम्मत करके आया हूं। क्या बोल रहा हूँ, मैं आप सबके सामने बहुत हिम्मत करके आया हूँ। हाँ, और मैंने पहले जो भी किया उस सब के लिए आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। और मेरा यकीन मानिए, अदिति की ना पहले गलती थी और ना ही इस बार है। आरव जी, मैं फिर से एक बार भाई को कॉल ट्राई करती हूँ। कोई फायदा नहीं है सिमर, उसकी चुप्पी सब कुछ कह चुकी है। लेकिन आरव जी, माँ, माँ, आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है। दवाई खाने के पहले कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। माँ दवाई खा लीजिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनिए, आइए भाई। आरव जी,
तुझे मैंने कहा था ना भाई जरूर आएंगे, देखिए वो सामने से चल के आए। कुछ नहीं आप रेस्ट करिए, दवाई खाइए, हम आते हैं। हम आप आराम कीजिए। अच्छा हाँ, मैं वो बोल रहा था नीचे से, अगर हम और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आदिति से दिल से प्यार करता हूँ और इस बार उसे कोई धोखा नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। चल 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 दीप भाई की जान खतरे में, जल्दी चल। क्या छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। पापा पापा क्या कर रहे हैं आप?
सुते। भैया आज इसे छोड़िएगा नहीं, मारिए इसे, पकड़िए। भाई 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 भागो! प्लीज नहीं पापा। तो चोट लगी, तुम ठीक हो ना? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। हमारे मंदिर जैसे घर में आप जैसे बेशर्म लोगों के लिए कोई जगह नहीं। जी आपको मुझे जो भी कहना है आप कह सकते हैं गीतांजलि देवी, क्योंकि हमारे बच्चों ने कारनामे ही कुछ ऐसे किए हैं कि उनके बाप के पास सर झुका के सुनने के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। और जहां तक मेरे अंदर आने का सवाल है तो आप बेफिक्र रहिए, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं तो यहां पर सिर्फ गगन को ढूंढते हुए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह यहीं आया होगा। आया तो था लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, जान बचाकर भाग गया। मानना पड़ेगा प्रोफेसर साहब, ना आप अपनी बेटियों पर लगाम लगा पाए और ना ही अपने बेटे पर। माफी चाहते हैं गीतांजलि देवी, वैसे लगाम तो आप भी नहीं लगा पाए अपने पोते पर। याद है आपने भी तो उसे एक दिन के लिए पुलिस लॉकअप में बंद करवा दिया था,
बड़े बड़े वादे किए थे आपने कि आपका बेटा कुछ नहीं करेगा, लेकिन आखिर में लेकर गया वो हमारे ही घर की लड़की को। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, हम आपके भी याददाश्त ताजा कराते हैं। हमने तो अपने पोते को रोक कर ही रखा था, वो आपकी बेटी ही थी तो शादी का मंडप छोड़कर भागी चली आई। बड़े खानदान वाली और पक्के जुबान वाली बनती है ना, लेकिन आज एक मामूली सा प्रोफेसर आपके सामने एक वादा करता है कि आप अपनी पोती की शादी चाहे कहीं भी करवा दें, मेरा बेटा बीच में कभी नहीं आएगा। पापा की बस, ना तो मैं तुम्हारा बाप और ना ही मेरे बीच में आइंदा कभी बोलने की कोशिश कर रहा। प्रोफेसर साहब, आपने अपनी लड़कियों को जरा सी तमीज सिखाई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आपने अगर वक्त रहते अपने लड़कों को संस्कार दे दिए होते तो आज दूसरों के घर इस तरीके से बर्बाद नहीं होते। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने सिमर से शादी की है। मैंने तुमसे बात की? बात की तुमसे? कौन सा पापा, कहां का पापा, कौन हो तुम दोनों? पर मैं अपने वादे पर अटल रहूंगा। गगन की सगाई आज शाम को फिक्स की है, जो आज शाम को ही होगी। हमारी पोती भी आज ही इस घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। चित्रा, तुम जिस तरह के रिश्ते के बारे में कह रही थी वैसा एक रिश्ता है हमारी नजर में। हमने उन्हें यहां बुलाया है, बस आते ही होंगे। लो, आ गए। दिलीप, अंदर आ जाओ। सिमर, मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, पर यू नीड टू बी स्ट्रांग। मेरी हिम्मत नहीं हार सकते।
भूल जाती हो सिमर, इन आंसुओं को बाहर आने की इजाजत नहीं है। आज पापा ने आपसे जिस तरह बात की उसके लिए हम रियली सॉरी आरव जी। आई नो उन्हें सबके सामने आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। रियली सॉरी, मैं उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम रियली सॉरी। ये मेरा तुम्हारा किसी और का भी कसूर नहीं है। कसूर से भला तो कहा, वक्त और हालात, बस वक्त और हालात हमारे साथ नहीं।